तो यही फैलाया उन्होंने। सोशल मीडिया का अगर दुरुपयोग का किसी को अवार्ड मिले वो बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, पूरा दुरुपयोग, कोई प्रिंसिपल नहीं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ये और एक देखिए, ये दिखाया कि ये अहमदाबाद का बीआरटीएस है और चाइना का जो गोंजाऊ है उसका बीआरटीएस का फोटो डाल दिया। हमारे वहां राइट हैंड ड्राइव है, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो ये भी चलता है। जो आप अगर काउंटर नहीं करोगे तो यही चीज बिक जाएगी। हमको काउंटर इमीडिएटली करना है। और इतनी हद तक ये लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता को भी ये लोग नहीं छोड़ते। ये गोडसे की मानसिकता है, इस प्रकार की मानसिकता को हम सहन कर, कौन से मुंह से महात्मा गांधी की ये लोग बात करते हैं। आप देखिए ये असली तस्वीर और क्या उन्होंने बना दिया उसको। सो हमको बीजेपी का जो दुष्प्रचार है, दो चीजें हमको करनी है, हमको हमारी विचारधारा की बात करनी है और बीजेपी के दुष्प्रचार को एक्सपोज करना, ये दोनों चीजें साथ में कर दी। कई बार ये पूछा जाता है कि हम उनके लिए बात करते हैं, आप मत कीजिए, आप उनकी नीतियों की बात कीजिए, जो परिणाम है उसकी बात कीजिए। हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड, एक कैंपेन जो चल रहा है, आप उनको सवाल पूछिए कि पहले रिपोर्ट फिर वोट, पहले आप अपने काम का रिपोर्ट दीजिए 5 साल का और फिर बात कीजिए। वो ये बोलते हैं कि अब की बार 75 बार आपका स्लोगन होना चाहिए, अब की बार हरियाणा से बाहर, ये आपका स्लोगन होना चाहिए। ये देश की और हरियाणा की जनता के स्वाभिमान का सवाल है कि जिस प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन पे ये लोग वोट मांग रहे हैं, आप इनको बताइए हकीकत क्या है, हरियाणा का क्या हुआ, तब जाके हमसे वोट मांगिए। आप सवाल पूछे उनके पास आपको जवाब नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहां पे क्योंकि आज चुनाव का माहौल है, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बात इतनी ही है। मेरा एक ही उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, कि जो मेरा कार्यकर्ता काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये चीज जो हमने गुजरात में की थी, अगर आप काम करते हो और अगर आपका काम देखने वाला कोई नहीं है तो आप कब तक काम करेंगे। तो ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, सोशल मीडिया के कार्यकर्ता के नाते, जो भी काम करेगा, दिल से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम आगे लेके जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, उसको कोई नहीं रोक सकता। यही विचारधारा है जो उनका, जो उनका मनी बल है, धन बल है, उसको आपका जो हमारा वर्कर बल है, कार्यकर्ता बल है, वो हरा के दिखाएगा। आज शैलजा जी हमारे बीच में है, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शैलजा जी से गुजारिश करूंगा कि आज जो वर्कर हमारे बीच में उपस्थित है उनको मार्गदर्शन करें और क्या चाहते हैं, हमसे क्या अपेक्षा है उसके बारे में बताएं। शैलजा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए वापस।